किसानों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार, बीजेपी सरकार सिर्फ पैसे वालों की सरकार बनकर रह गई है। आज गुलबर्गा शहर में सीपीआईएम की जानिब से डीसी ऑफिस के सामने नाराज किसानों ने रियासती हुकूमत पर सख्त मजम्मत का इजहार कर एहतजाज करते हुए कहा, गुलबर्गा शहर में तोर दाल की पैदावार ज्यादा होती है और यहीं से इस दाल को मुल्क भर में भेजा जाता है। किसानों ने बीजेपी सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा, शहर में बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों और दालों को बड़ा नुकसान हुआ है और ऐसे में रियासती हुकूमत हमारी तरफ तवज्जो ना देके इलेक्शंस में पैसा बांट रही है। अगर सरकार यही पैसा हम किसानों को देती तो हम किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। आज गुलबर्गा जो एक ये तुअर का पैदा करने का एक बहुत बड़ा सेंटर है, पूरे देश में बहुत बड़ा सेंटर है, ये पूरे देश को तुअर यहाँ से भेजा जाता है। लेकिन ये हमारे जो सरकार है कर्नाटक के, ये जो है पूंजीपतियों का सरकार है, ये किसानों का कोई सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं। ये जानते हैं दो महीना तीन महीना जो है ना कंटिन्यूसली बारिश आने की वजह से जो एक एकड़ को सात कुंटल आठ कुंटल जो तुअर आता था अभी पूरा वो बह गया है पानी में। कम से कम वो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कुंटल डेढ़ कुंटल भी नहीं आ रहा है, इतना पूरा सर्वनाश हो गया है। लोग जो है किसान लोग जो है ना पूरा ध्वस्त हो गए। इस सिलसिले में हमारे सरकार आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं, हमारे सरकार अंधा हो गया है, हमारे सरकार जो है कोई उनके देखने के लिए कोई टाइम नहीं उनके पास, सिर्फ जो है ना अभी मजाक करके वहाँ बेलगाम में बैठे हैं दस दिन से, कुछ भी हमारे बारे में सोचा नहीं है। यहाँ पर लाखों किसान लोग जो है ना पूरा मर रहे हैं, पूरा उनका नुकसान हो गया है, इसके बारे में एक शब्द एक लफ्ज भी उन्होंने बेलगाम के जो वहाँ पर अधिवेशन में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। ये जो है लोग जो है ना इलेक्शन में अभी जो परिषद का इलेक्शन हो गया सभी लोग आ गए थे अपने वोट के लिए, पैसे बांटा गया, कितना पैसा बांटा गया, वही पैसा अगर किसानों को दिया होता तो उनका ये होता था। लेकिन अपना वोट के लिए एक एक वोट के लिए 40,000-50,000 देख के पूरे सारे पार्टियाँ यहाँ पर जो है ना दिन भर रात भर यहाँ पर घूमे हैं, लेकिन उनके आंखों को ये दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर किसान लोग हैं, इनका जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है जो वो देखने के लिए। सिर्फ ये लोग जो है ना अपने पावर के लिए अपने सियासी का ये करने के लिए ये रहे हैं, लेकिन लोगों का देखने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आने वाले दिन में ये लोगों का किसान विरोधी एक नीति जो है, ये जो है पूंजीपतियों का जो तरफ करने वाले जो सरकार ये पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो क्या बीजेपी हो, ये लोग जो है ना हमारे किसान लोगों का ये भलाई के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिन में जो है ना ये बहुत बड़ा एक आंदोलन यहाँ पर होने जा रहा है। ये सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए जो है ना आने वाले दिन में ये लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे किसान लोग। जैसे दिल्ली में जो हो गया, दिल्ली में जो इतना एक साल का जो आंदोलन हो गया, जो पूरे किसान विरोधी जो पीएम नरेंद्र मोदी थे वो देखने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनका जो है ना उनका लड़ाई का गर्मी से वजह से नीचे आना पड़ा, दो तीन जो है किसान विरोधी कानून को वापस लेना पड़ा। वो साला ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಎರಡ್ ಎಕರೆ ರೀ ಪರಿಹಾರ ಸಾಲ ಇನ್ನಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎರಡ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹತ್ತಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ, ಹತ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಸಲಕ ತೊಗರಿ ಬಿಟ್ಟೇರಿ, ತೊಗರಿ ನೀರು ಐತಿ ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಕಲಾಸ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ, ನೀರು ನಿಂತು ಯಾರು ಕೊಡಲಾಗಾರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ತೊಗರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶೇಂಗಾ ಹತ್ತಿ ತೊಗರಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು, ಕಡ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಐತಿ ಕಲಾಸ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ, ಈ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಾಗಾರ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ, ಎರಡು ಎಕರೆ ಮೂರು ಎಕರೆ ಹೊಲ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪೂಟು ತೊಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರ, ಯಾರೋ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ನಾಶವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನೀರತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಈ ಥರ ಗೊಡ್ಡ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ,
ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು 7 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇದೇ ತರ ಗೊಡ್ಡ ಹೋಗಿದೆ ಹೊಲ ಏನು ಒಂದು ದುನೇದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಏನು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇಸಿಂದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ನೋಡಿ ತಗರಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ 7 ಎಕರೆ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವಾಗ